दांत या सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन में से सबसे कॉमन है। मेरे ओपीडी में गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा केसेस इस फंगस के ही या दांत के ही आते हैं। तो किन लोगों में ये सबसे कॉमन होता है? वो लोग जिनका पर्सनल हाइजीन ज्यादा अच्छा नहीं रहता, बहुत स्वेट करते हैं, या वो लोग जो हॉट एंड ह्यूमिड यानी बहुत गर्मी के एरियाज में, जैसे हमारे मुंबई है, बहुत गर्मी एंड पसीना आता है, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत हो, आपका बॉडी बार बार स्वेट ज्यादा करता है, वहाँ पे ज्यादा होता है। जिम जाते हैं एंड जहाँ पे एसी नहीं होता उधर हो सकता है, या आपका नेचुरल बॉडी इम्यूनिटी किसी रीजन की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या मे बी आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसको हो सकता है, या मे बी आप कोई तो टैबलेट्स लेते हैं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको हो सकता है, आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है। तो ये फंगस कहाँ है? फंगस सब जगह है। फंगस सरफेस पे है, स्विमिंग पूल में है, जिम में हो सकता है, आपके फ्रेंड को हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर से आपको हो सकता है। सो कॉन्टैक्ट से फंगस होता है। सो आप कैसे प्रिवेंट करेंगे इस फंगस को? सबसे पहले अगर किसी को फंगस है तो आप पर्सनल हाइजीन की चीज़ें जैसे आपका टॉवल है, नैपकिन है, सोप है, ये बिल्कुल शेयर ना करें। दूसरी चीज़ है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि कुछ भी चीज़ बाहर से जो आए जैसे फंगस है आपके अंदर जाके इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस करे। स्वेटिंग के लिए आप एब्जॉर्बेंट पाउडर्स लगा सकते हैं, जिम से जाके आए तो इमीडिएटली शावर ले सकते हैं। सो ये सब चीज़ों से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप ह्यूमिड वेदर में रहते हैं तो बहुत टाइट क्लोथ्स यानी डेनिम है, जो ब्रीदेबल फैब्रिक नहीं है, उनका यूज़ ना करके आप कॉटन फैब्रिक्स या लूज फैब्रिक यूज़ करेंगे तो दैट विल बी बेटर। सो कैसे दिखता है? रेड सर्कल्स दिखते हैं, मोस्टली आपके बॉडी पे आते हैं, अंडर आर्म्स में आ सकते हैं, ग्रॉइंस में आ सकते हैं, बटक्स पे आ सकता है, चेस्ट पे आ सकता है, एंड धीरे धीरे वो फंगस सराउंडिंग स्किन को खा के आगे बड़े सर्कल्स बना सकता है। सो हम ट्रीट कैसे करते हैं फंगस को? सबसे पहले मेडिकल एडवाइस लीजिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए करेक्ट मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक ट्यूब लेके आते हैं या एक टैबलेट लेके आते हैं खुजली के लिए, टेम्पररी ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक वो लगाते हैं वो ठीक हो जाता है, एक हफ्ते में वापस हो जाता है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले ये मेडिकल कंडीशन है एंड आप मेडिकल डॉक्टर के पास ही आइए, क्योंकि लिटरली 2 से 3 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर हाइजीन भी रखना पड़ेगा। बाहर से मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई ना लें, अपने आप से कोई भी दवाई ना लें, अपने फ्रेंड्स को पूछ के कोई भी दवाई ना लें। दूसरी चीज़ है, पर्सनल हाइजीन की चीज़ें शेयर ना करें जैसे मैंने बोला था, क्योंकि आप सोर्स हो सकते हैं अपने फ्रेंड को या फैमिली को देने के लिए। फंगस का ट्रांसमिशन कंटेजियस होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड 3 से 4 महीने में फंगस डेफिनेटली करेक्टली ट्रीट हो जाता है। याद रखिए फंगस कंटेजियस है, कि अगर आपको फंगस है मेडिकल एडवाइस से उसको ठीक कीजिए एंड आपका फंगस डेफिनेटली ठीक हो सकता है। सो ये फंगस के ऊपर या दाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैंने आज दीजिए वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कोई आपको क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमको SMS या DM कर सकते हैं। थैंक यू।